मंदिर मंदिर मंदिर, चारों तरफ बस मंदिर ही मंदिर। यह है मालुती, झारखंड के दुमका इलाके के जंगलों में छिपा एक अनोखा मंदिरों का गांव। कोलकाता से 5 घंटे दूर मालुती को विश्व के 12 सबसे लुप्त प्राय सांस्कृतिक स्थलों में से एक घोषित किया गया है। यहां 350 मीटर के इलाके में कभी 108 मंदिर हुआ करते थे, उनमें से अब बस 72 शेष बचे हैं, पर वो भी नाजुक स्थिति में है। इन मंदिरों की स्थापना बाज बसंत के राज परिवार ने 17 से 19वीं सदियों में की थी। टेराकोटा में बने हुए भव्य मंदिरों की सुंदरता उन पर बनी खूबसूरत मूर्तियों से उभर उठती है। इन पर पौराणिक कहानियां और गांवों के दृश्य दर्शाए गए हैं। टेराकोटा का इस्तेमाल इस क्षेत्र में ज्यादा नजर आता है। नदियों की मौजूदगी की वजह से यहाँ मिट्टी का मिलना आसान था और पत्थर का मिलना मुश्किल। यहाँ कुछ मंदिरों में शिलालेख मिले हैं जो पुरानी बंगाली भाषा में लिखे हैं, जो संस्कृत, पाली और बंगाली का मिश्रण था। इनसे इन मंदिरों के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध मंदिर देवी मौलिक्षा का है, जो राज परिवार की कुल देवी थी। आश्चर्य की बात यह है कि इनका जिक्र हिंदू शास्त्रों में कहीं नहीं है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वज्रयाण बौद्ध धर्म की देवी थी, क्योंकि 15वीं सदी में यहाँ बौद्ध धर्म का काफी प्रभाव था। यहाँ बामखेपा का भी एक मंदिर है, जो बंगाल के सबसे मशहूर तांत्रिक गुरु थे। पिछले कुछ दशकों से गोपालदास मुखर्जी नामक गांव के एक बुजुर्ग ने इन मंदिरों को बचाने की मुहिम जारी की है। झारखंड सरकार ने इनकी कोशिशों को सम्मानित किया है और 2016 के गणतंत्र दिवस के परेड में मालुती के मंदिरों का प्रदर्शन किया था। पर इन मंदिरों को बचाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अब आपके लिए कुछ सवाल और मजेदार काम। इन सवालों के जवाब अपनी आर्ट बुक में लिखें। मालुती में मंदिरों के निर्माण के लिए मिट्टी गारों का उपयोग क्यों किया गया था? मंदिरों पर जो नक्काशी बनी हुई है वो क्या दर्शाती है? अपने गांव में एक मंदिर की वास्तुकला का निरीक्षण करें और उसका वर्णन करते हुए एक वीडियो बनाएं।